शिवपुरी जिले में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 80,000 है और इन सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए कलेक्टर दमोह के निर्देश पर लगातार काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू हुई है। 8 तारीख तक स्कूलों में इस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर वैक्सीनेशन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर एस कृष्ण चिदन ने सभी केंद्रों का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का आज का डेट हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। पूरे दमोह जिले में हम लोग लगभग 80,000 जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उन लोगों को टारगेट करके अगले 5-6 दिन में पूरा शत प्रतिशत कम्प्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज 76 जो स्कूल जो हम लोगों के पूरे ज़िले में अपनी वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसका सभी नोडल अधिकारी है जो हम लोगों ने नियुक्ति किया, वो सभी लोग जो भी है वहाँ पे भी देखने गए हैं और मैं भी दो स्कूल यहाँ पे देखने आया हूँ, अपना JPB स्कूल है और नवजागृति स्कूल। अभी JPB और नवजागृति दोनों में 500-500 बच्चे जो है लगभग यहाँ पे टीकाकरण हो चुका है और हम लोगों का 400-400 बच्चे जो है वो अभी शेष है करवाने के लिए, तो वो भी कॉल करके अभी जो बच्चे अभी उपस्थित नहीं हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है। प्रयास यही करेंगे कि पूरे जितने भी स्कूल में एनरोल्ड बच्चे हैं यही स्कूल में कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद अगर कोई शेष बच्चे रहते हैं उसको डोर टू डोर वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। हम लोग 8 तारीख के बाद वो अपना कार्यक्रम